मोस्ट पॉपुलर एक्टर अभिनव जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी किया है काम, करोड़ों करोड़ों के मालिक है अभिनव। लेकिन देखिए ना, पैसे हैं, शान है, शोहरत है, जिंदगी है, मोहब्बत है, लेकिन खुशियों के बीच बुरी नज़र डाल चुकी है अभिनव शुक्ला की जिंदगी में उनकी बीमारी। जी हाँ, स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में अभिनंदन नजर आ रहे हैं, जहाँ से एलिमिनेट होने से उन्होंने बचाया खुद को। इस पर उन्होंने कई बातें भी शेयर की। रिसेंटली उनका एक ट्वीट वायरल हुआ। उनका कहना है, आई एम अ बॉर्डर लाइन डिसलेक्सिक, इट इज पब्लिक नाउ, सो आई विल डाइवल्ज मोर, इट्स नोबडीज़ फॉल्ट, नॉट इवन माइंड, इट इज व्हाट इट इज, इट टुक मी 2 decades टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, 20 साल लग गए मुझे इस बात को स्वीकार करने में कि मुझे बॉर्डर लाइन डिसलेक्सिक है और इस बीमारी से मुझे लड़ना है, और फिंगर्स और नंबर्स बिल्कुल भी एम्बैरेस मुझे नहीं करते, मैं एक्सेप्शनल हूँ स्पेशल एबिलिटी के साथ और डिफरेंटली एबल्ड भी हूँ, ये कहना है उनका। और इसलिए जब उन्होंने ये ट्वीट किया तो लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया है। क्या आपको मालूम है कि अभिनव शुक्ला को इस तरह से जब पोस्ट शेयर करते देखा गया तो लोग काफ़ी हैरान भी हैं। उनका कहना है, मैं बॉर्डर लाइन डिसलेक्सिक हूँ और सबको पता है, ये मुझे शर्मिंदा नहीं हो रही है ये बताकर, मुझ में स्थान संबंधी असाधारण क्षमता है, मैं दूसरी तरह से सक्षम हूँ। जब ये उन्होंने कहा तो लोगों ने उनकी बात स्वीकार की और कैप्शन में लोग उनके लिए जवाब भी लिख रहे हैं और उन्हें लिखा गया, उन्होंने, हर नंबर अक्षर शब्द मुझे भ्रम में डाल देते हैं, मुझे तारीख नाम उन तारीखों का नामों से संबंध जैसी चीज़ें याद रखने में कठिनाइयां होती हैं, स्थान संबंधी क्षमता में असाधारण हूँ, मुझे अपना सारा अतिरिक्त सामान अपनी कार की डिक्की में डालने के लिए कहें, मैं करूँगा, मैं कुछ चीज़ों में अच्छा हूँ तो कुछ चीज़ों में बुरा भी, मैं उन्हें सुधारने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ, ये कहना है अभिनव का। शो बिग बॉस सीजन 14 में वो नजर आए थे, उसके बाद वो रूबीना की ओर करीब गए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।